अहम खबर पारा चिनार। खैबर पख्तूनख्वा के वफद के हेलीकॉप्टर के करीब फायरिंग। ज़राए के मुताबिक फायरिंग से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। पारा चिनार में इस वक्त जिरगा जारी है। जिरगे में सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक है। इलाके में फायरिंग मामूल की बात है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट की जानिब से ऐसा कहा गया है। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो पारा चिनार में अमन अमान की जो सूरत हाल है, इस पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत ने एक जरगा तश्कील दिया था और एक वफद तश्कील दिया था, जिसे कहा गया था कि आप पारा चिनार जाए और वहां पर मकामी लोगों से मिले और जो ये बढ़ते हुए बदमनी की सूरत हाल है इसको काबू करने से मुतालिक रिपोर्ट जमा करे और वो हुकूमत को जमा करे ताकि इसका तदारुक हो और ये बढ़ती हुई बदमनी पर काबू पाया जा सके। आज जो है वो वफद जा रहा था पारा चिनार। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था वफद का, उसके करीब करीब फायरिंग हुई है, लेकिन इससे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है। जो डिप्टी कमिश्नर कुआट है उनके मुताबिक जो वफद आया था पारा चिनार, उसमें वजीर कानून आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी और दीगर आला हुकाम शामिल थे और वो इस वक्त महफूज है। ये फायरिंग जो है वहाँ पर मामूल की बात है और ये गुज़श्ता कई दिनों से इसी तरह हवाई फायरिंग का सिलसिला जारी है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि ये फायरिंग हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए की गई है तो ये गलत है। उनके मुताबिक इस वक्त भी वहाँ पर जरगा जारी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, वजीर कानून, क्वाट डिवीजन के जो कमिश्नर है मुतसिम बिल्ला वो, और इनके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है वो शरीक है और जो इलाका मुशरान है उनके साथ। ठीक है, ज़ीशान बहुत शुक्रिया आपका।